वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक ऑन माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी क्लास, हमने पिछली हिस्ट्री भी उठा के देखी थी, हमने देखा था पहले लोग क्या मानते थे डिजीज को लेके, फिर हमने मतलब डेफिनेशंस भी पढ़ी हैं आपकी। एंटोन वॉन लीवेनहॉक के बारे में भी हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डिस्कवरी है उसमें बहुत बड़ा रोल आपका एंटोन वॉन लीवेनहॉक का रहा, क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट आपका माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके बाद हमने इनकी कंट्रीब्यूशन पढ़ी थी कि इन्होंने क्या क्या हमारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इम्पोर्टेंट काम किए हैं, क्या इनका योगदान रहा है। इसे आगे आज हम शुरू करेंगे। एंटोन वॉन लीवेनहॉक के टाइम के बाद भी लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होते रहे। कन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़े होता आपका, ठीक है। फिर एक कन्फ्लिक्ट उठा आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अंदर, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है उसका मतलब, उसका दूसरा नाम होता है आपका ए बायोजेनेसिस, ठीक है। ए बायोजेनेसिस क्या होती है सबसे पहले वो देखते हैं हम। इसका मतलब है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड डेवलप फ्रॉम ए नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि जो आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आपके अराइज हुए हैं नॉन लिविंग मैटर से, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा मानना था। ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पैदा हो जाना, ठीक है। इवन आपके जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा बायोलॉजी के अंदर, वो भी ऐसा ही मानते थे। वो भी किसके अंदर बिलीव करते थे, आपके स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अंदर। स्पॉन्टेनियस जो शब्द है उसका मतलब आपका क्या है, अचानक से ही नई जनरेशन का आ जाना, ठीक है। वो किस बात पे मानते थे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हुए हैं, मतलब राइज हुए हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट थे आपके फ्रांसिस्को रेडी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को माना नहीं, उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और लोगों का नज़रिया बदला, ठीक है। उन्होंने व्यू बदला काफ़ी लोगों का, तो फ्रांसिस्को रेडी ने आपका व्यू बदला लोगों का, लेकिन फिर भी लोगों की इसी पे राय बनी रही कि नहीं, नॉन लिविंग मैटर से ही आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं। तो फिर इसी आइडिया ने आपके जो लुईस पाश्चर थे, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का ये जब बात उठी थी तो आपके लुईस पाश्चर को इस बात को सुन के थोड़ा अजीब लगा कि नॉन लिविंग मैटर से आपके लिविंग मैटर का राइज हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ के ऊपर गौर फरमाने की थोड़ी जहमत उठाई आपकी, और उन्होंने ऐसा इसके बारे में स्टडी किया कि एक बार में ही मतलब सबको जवाब दे दिया जब उन्होंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो ये आपके लुईस पाश्चर जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। लुईस पाश्चर के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो मतलब वही थे जिन्होंने मतलब लोगों का आइडिया इसके बारे में चेंज किया था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। मतलब माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट रही हैं, जो आपकी उतार चढ़ाव रहे हैं, वो उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है या किन्होंने क्या क्या काम किया है, वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट आपकी माइक्रोबायोलॉजी की एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन जिन्होंने की थी वो आपके लुईस पाश्चर थे, जिनका अभी अभी हमने डायग्राम देखा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, तो आपके लुईस पाश्चर को और क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि इनका जो योगदान रहा माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में वो बहुत ज्यादा रहा। इन्होंने ही माइक्रोबायोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में मतलब मान्यता आपकी दिलवाई, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजों का खोज कर दी थी। नेक्स्ट जो आपके रहे हैं वो है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने आपकी माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज के अंदर परफेक्शन लेके आए ये, ठीक है। मतलब जो बातें इन्होंने खोज की उनको बिल्कुल परफेक्टली इन्होंने शो करके दिखा दिया, तो इसीलिए इनको बोला गया फादर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इन्होंने मोस्टली जिसकी खोज की थी वो आपके बैक्टीरियास थे। नेक्स्ट जो आपका एक बड़ी डेवलपमेंट रही आपकी माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में वो थी इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है। एंटी जो शब्द है उसका मतलब होता है अगेंस्ट, सेप्टिक का मतलब क्या होता है, सेप्सिस मतलब प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्होंने ऐसी सर्जरी, मतलब सर्जरी तो होती थी पहले लेकिन एंटीसेप्टिक सर्जरी नहीं होती थी, इन्होंने क्या किया, फिनोल का यूज़ करके दिखाया, ठीक है। मतलब जिस भी एरिया पे आप क्या कर रहे हो, सर्जरी कर रहे हो, उसको फिनोल से मतलब साफ करके दिखाया, बताया कि जो फिनोल या ऐसे एंटीसेप्टिक एजेंट है वो क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को किल करते हैं, ठीक है। या फिर बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वुंड तक नहीं पहुंचने देते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होगा, आपकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल रहेगी और जो पेशेंट का पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट रहता है या जो रिकवरी रहती है वो आपकी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो कंसेप्ट था वो ये लेके आए थे। तो उनका नाम था लॉर्ड लिस्टर, ठीक है। 1867 के अंदर इन्होंने ये जो कंसेप्ट है इनका बहुत अच्छे से शो कर दिया था, तो इसीलिए लॉर्ड लिस्टर को आपका फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी बोला गया है। नेक्स्ट है आपके पॉल एनरिच, एच लिरिच,
ठीक है, पॉल जो थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपका कीमोथेरेपी की शुरुआत की थी, या इन्होंने कीमोथेरेपी के बारे में बताया था। कीमोथेरेपी क्या होती है आपकी, मतलब ड्रग्स होती हैं ये आपकी कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो कीमोथेरेपी का जो इंट्रोडक्शन था वो आपके पॉल एच लिच। तो ये आपकी कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट रही, जो चार अलग अलग साइंटिस्ट के हमने नाम पढ़े। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आपके लुईस पाश्चर के बारे में। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो के पेपर में पूछा जाता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लुईस पाश्चर के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ, ये क्या करते थे, ठीक है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, जो लुईस पाश्चर हैं आपके, इनका जो जन्म है वो 1822 में हुआ, इनकी जो डेथ है वो 1895 के अंदर हुई। इनका जो ये कहाँ के रहने वाले थे, ये बेसिकली फ्रांस के रहने वाले थे आपके। कहाँ पे ये पैदा हुए थे, एक विलेज में हुए थे जिसका नाम था डोल। ठीक है, फ्रांस के अंदर वो है आपका। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, वो रहेगी आपकी 27 दिसंबर 1822। इनके जो फादर थे वो एक टैनर थे। ठीक है, और जो लुईस पाश्चर थे, लुईस पाश्चर आपके ट्रेन हुए थे एज अ केमिस्ट। ठीक है, केमिस्ट क्या होता है, जो दवाइयाँ देता है। ठीक है, वैसे ये उनकी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। नेक्स्ट, इनकी मतलब ये मतलब इतने आगे कैसे पहुंचे, क्योंकि इनको इंटरेस्ट था फर्मेंटेशन के अंदर। ठीक है, इन्होंने स्टडी की फर्मेंटेशन को लेके, फर्मेंटेशन की वजह से ही इनका इंटरेस्ट आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हुआ। अब हम पढ़ते हैं फर्मेंटेशन जो शब्द आया, इसका मतलब क्या है। फर्मेंटेशन क्या है, एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है, और मतलब एक कंपाउंड का या फिर एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे या स्मॉल के अंदर क्या कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, बदल देना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम या फिर कैटलिस्ट। तो केमिकल ट्रांसफॉर्म कर देना एक कंपाउंड को दूसरे सिंपल कंपाउंड के अंदर एंजाइम या फिर कैटलिस्ट की हेल्प से, उस चीज़ को आप क्या बोलते हो, फर्मेंटेशन। तो लुईस पाश्चर वैसे तो एक केमिस्ट थे, लेकिन इनकी इंटरेस्ट था फर्मेंटेशन स्टडीज़ के अंदर, जिसकी वजह से इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। अब हम पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पाश्चर इन द माइक्रोबायोलॉजी। इनका जो योगदान हमारी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर रहा वो क्या क्या था। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूरा पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट ऑन लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर का आपने इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने इसका कंट्रीब्यूशन बताना है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, या किन किन बातों के ऊपर इन्होंने रोशनी डाली थी आपकी। तो सबसे फर्स्ट जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म है आपकी, जो आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये जो शब्द है ये ही इसी की खोज इन्होंने की थी आपके लुईस पाश्चर ने, इन्होंने ही ये शब्द रखा था आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन रही थी वो क्या थी, प्रपोज्ड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो जर्म थ्योरी आपकी क्या होती है डिजीज की, देखिए इन्होंने कहा था कि जो डिजीज है वो होती है जर्म्स की वजह से। ठीक है, इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रखा था आपका, जर्म रखा था, कि कोई भी डिजीज है वो जर्म की वजह से होती है, और हर डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट रहेगा या जो जर्म रहेगा, कीटाणु रहेगा, वो क्या रहेगा आपका, अलग रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया था कि जो डिजीज है वो जर्म की वजह से होती है, और ये जो बात थी इन्होंने 1857 के अंदर बता दी थी आपकी। उसके बाद इन्होंने थर्ड जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा वो क्या था, डिसअप्रूव किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। जो थ्योरी हमने अभी ऊपर पढ़ी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या था आपका, कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म का अराइज हो जाना, तो उस थ्योरी के ऊपर ये विश्वास नहीं करते थे, और उन्होंने इस चीज़ को डिसअप्रूव किया। कब किया, 1860 के अंदर या फिर 1861 के अंदर, इस साल इन्होंने क्या किया था, इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया, और मतलब अपनी आगे की खोज है वो शुरू कर दी थी इन्होंने। नेक्स्ट जो इनका योगदान रहा वो था आपका डेवलप द स्टरलाइजेशन टेक्निक। स्टरलाइजेशन क्या होता है, किसी भी एरिया को या फिर इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल क्लीन कर देना, फ्री बना देना आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को वो आपके स्टरलाइज करने के लिए कुछ टेक्निक्स की खोज भी की थी अपनी स्टडी के दौरान। तो वो है आपके, सबसे पहला आता आपका हॉट एयर अवन। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है आपका हॉट एयर अवन, जिसके अंदर क्या, हॉट एयर मतलब टेम्परेचर ऐसा सेट किया जाता है, ओवन जैसी शेप का ये होता है, जिसके अंदर आपके मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट मटेरियल रखा जाता है, जिनको क्या करते हैं आप, स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इन्होंने खोज की थी जिसकी, वो थी आपकी, या डेवलप की थी, बनाई थी ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव भी आपकी स्टरलाइजेशन की एक टेक्निक है। और इन्होंने क्या बनाया था, स्टीम स्टरलाइजर बनाया था। स्टीम यानी भाप की हेल्प से आप चीज़ों को क्या कर सको, स्टरलाइज कर सको। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया था वो था आपका डेवलप द मेथड एंड टेक्निक फॉर कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने मतलब बताया था कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर लैब के अंदर क्या करवा सकते हो, ग्रो करवा के देख सकते हो। ठीक है, कल्टीवेशन का मतलब क्या है, आप ग्रो करवा दे के देख सकते हो। तो वो ग्रो करवाने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड और टेक्निक्स की जो खोज थी वो आपकी किसने की थी, लुईस पाश्चर ने की थी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए जो ग्रोथ मीडिया या मीडियम रहेगा वो कैसा होना चाहिए, प्लस में कैसी कंडीशन के अंदर आप बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हो। ठीक है, कितना आपने टेम्परेचर
रखना है, एनवायरनमेंट को एसिड रखना है या बेस रखना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप ग्रो करवाओगे या अब्सेंस में ग्रो करवाओगे, और पीएच कितनी होनी चाहिए उस सॉल्यूशन की जिसके अंदर आप बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने उस चीज़ की भी डेवलपमेंट की थी या शुरू करा था, ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टडी करी थी आपके सिल्क वर्म डिजीज के ऊपर, ठीक है। सिल्क वर्म डिजीज जो आपकी सिल्क नाम के कीड़े की वजह से होती है, ठीक है, और एंथ्रेक्स जो डिजीज़ एक बैक्टीरियल डिजीज़ है इसके बारे में भी इन्होंने खोज की थी। कोलेरा जो हिज्जा होती है आपकी उसके बारे में भी इन्होंने स्टडी किया था। हाइड्रोफोबिया जिसको आप रेबीज़ भी बोलते हो, कुत्ते के काटने की वजह से होती है, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना, ठीक है, इन डिजीज़ के ऊपर भी इन्होंने गौर से स्टडी करी थी। तो ये इस पेज पे हमने पढ़े हैं आपके 6 कंट्रीब्यूशन इसके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये आपने इसी तरीके से पेपर के अंदर लिख के आने हैं अगर आपसे लुईस पाश्चर के बारे में पूछा जाएगा, बिल्कुल इजी इजी पॉइंट है, इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, नंबर सेवन पॉइंट है जो वो है आपका पाश्चराइजेशन। इन्होंने ही आपकी पाश्चराइजेशन की जो टेक्निक है, प्रोसेस है, उसके बारे में बताया था। पाश्चराइजेशन आपकी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया उनको डिस्ट्रॉय करते हो, ठीक है। ये जो टेक्निक थी आपकी 1863 से 1865 के बीच इन्होंने इसकी खोज की थी। इसकी इस हेल्प से ही आप, पाश्चराइजेशन की हेल्प से ही आप मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर फूड को। अगर आपने कोई फूड या मिल्क लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो उसमें आपके जो बैक्टीरिया है वो किल ना हो, मतलब बैक्टीरिया ना सरवाइव कर पाए, वो दूध आपका खराब ना हो, फूड आपका खराब ना हो, अगर आपने लंबे टाइम तक किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना है तो, ठीक है। तो इस प्रोसेस की हेल्प से आप उन बैक्टीरियाज को आप क्या कर सकते हो, किल कर सकते हो। तो पाश्चराइजेशन टेक्निक है जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ोगे भी आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो इसके इसके बारे में भी आपका किसने बताया था, लुईस पाश्चर ने बताया था। नेक्स्ट इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था वो था कॉइंड द टर्म वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन आप आज के टाइम में पढ़ते हो, वैक्सीन क्या होती है आपकी, जैसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे हेपेटाइटिस बी की पोलियो वैक्सीन होगी। तो ये वैक्सीन क्या होती है, किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, वो दी जाती है। तो ये वैक्सीन नाम रखा गया, मतलब डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जिन दवाइयों का यूज़ किया गया उनको क्या बोला गया, वैक्सीन। तो ये वैक्सीन जो नाम था या जो ये टर्म थी उसका नाम किसने रखा था, लुईस पाश्चर ने रखा था, ठीक है। फिर मतलब इस प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के फॉर्मूले को लेके ही आगे आने वाले टाइम में आपके एक साइंटिस्ट रहे एडवर्ड जेनर, जिन्होंने क्या बनाया आपकी स्मॉल पॉक्स, जो पहले आपके चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स जो होती थी उनके प्रोटेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है, मतलब स्मॉल पॉक्स ना हो उसके लिए एक वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। तो वो आपकी काऊ से ली गई थी, तो उसका नाम आपका काऊ पॉक्स रखा गया था। तो वैक्सीन का जो प्रिंसिपल था वो आपका कौन लेके आए थे, लुईस पाश्चर लेके आए थे। उन्होंने ही मतलब प्रिवेंशन के लिए दवाइयों का नाम वैक्सीन रखना शुरू किया था। तो उस पे ही चलते हुए आगे जाके आपके एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एक वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन रहा लुईस पाश्चर का वो था आपका डिस्कवरी द प्रोसेस ऑफ एटीन्यूएशन एंड कोलेरा वैक्सीन। इन्होंने क्या किया, कोलेरा के लिए वैक्सीन एक तो बनाई आपकी, प्लस में प्रोसेस ऑफ एटीन्यूएशन की खोज इन्होंने की। ये जो एटीन्यूएशन की प्रोसेस थी ये इनसे एक्सीडेंटली ही हो गई थी, मतलब इन्होंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था, फिर भी ये प्रोसेस हो गई थी। एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को वीक बना देना, ठीक है, इतना वीक बना देना कि वो लाइव तो रहे, ठीक है, लेकिन वो डिजीज ना कोज कर पाए, ठीक है। तो यही एटीन्यूएशन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, मतलब उन्होंने क्या किया, एक मतलब अनजाने में ही उन्होंने एक मीडियम के अंदर ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया और काफ़ी हफ्ते बाद उसको संभाला तो उन्होंने देखा कि वो ऑर्गेनिज्म अभी भी सर्वाइव कर रहा है लेकिन बहुत वीक है, ठीक है। तो एटीन्यूएशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को वीक करके क्या किया जाता है, एक लिविंग होस्ट की बॉडी में डाला जाता है, जो मतलब आज के टाइम में हम वो वैक्सीन के रूप में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा था वो था डेवलप्ड लाइव एटीन्यूएटेड एंथ्रेक्स वैक्सीन, ठीक है। एंथ्रेक्स बीमारी के बारे में इन्होंने पढ़ा था तो इन्होंने सोचा कि मैं उसके लिए एक वैक्सीन बनाता हूँ। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने कैसे किया, मतलब कुछ टाइम के लिए एक कल्चर मीडियम में रखा, ठीक है, उसको वीक किया पर लाइव रखा, ठीक है। तो लाइव एटीन्यूएटेड एंथ्रेक्स वैक्सीन की इन्होंने क्या कर दी थी, खोज कर दी थी। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, 1885 के अंदर इन्होंने डेवलप करी रेबीज़ वैक्सीन, ठीक है,
जो आपकी रेबीज, आपको पता है रेबीज एक वायरल डिजीज होती है, कुत्ते के काटने की वजह से होती है, ठीक है, रेबीज वायरस की वजह से होती है। तो इन्होंने क्या किया, आपका रेबीज वैक्सीन बनाई, और ये वैक्सीन बनाना इनकी जिंदगी की एक क्राउनिंग अचीवमेंट रही, ठीक है, ऐसी अचीवमेंट रही जिसके लिए इनको बहुत अप्रिशिएशन मिला। इनको इवन पता भी नहीं था कि जो रेबीज है वो वायरस की वजह से होता है, लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल रहे आपके लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है। इन्होंने रेबीज के लिए जो वैक्सीन बनाई थी वो कैसी थी, लाइव था, उसके अंदर जो भी आपका एंटीजन था, लेकिन वीक था, इतना वीक था कि वो सिर्फ आपकी बॉडी में क्या कर सकता था, इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सकता था, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए था, ठीक है। तो ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही थी रेबीज वैक्सीन के लिए। नेक्स्ट इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था नोटिस्ड द न्यूमोकोकाई, इन्होंने एक बैक्टीरिया को नोटिस किया था अपनी स्टडी के अंदर जिसका नाम था न्यूमोकोकाई। न्यूमोकोकाई आप पढ़ते हो, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, जो आपका न्यूमोनिया कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। तो वो उस चीज़ को इन्होंने नोटिस किया था आपका 1881 के अंदर। तो ये था आपके लुईस पाश्चर के बारे में और प्लस उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, क्या क्या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पेपर में पूछा जाता है लुईस पाश्चर के बारे में। आई होप अगर अभी ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे। पहले इसके इंट्रोडक्शन लिखनी है, फिर इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 12 कंट्रीब्यूशन मैंने यहाँ आपको बताए हैं, अपनी अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी आप बताइएगा मुझे कमेंट करके आपको समझ आया कि नहीं आया। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।